सो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं बैगन का भरता। बैगन का भरता बनाने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले ले लिया है बैगन, जिसे हम बॉईल करने के लिए सबसे पहले कुकर में डालेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। आप देख सकते हैं हम गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे और 3 सीटियों तक इसे बॉईल कर देंगे। तीन सीटी होने के बाद ये बॉईल हो गई है। अब हम इसे ओपन कर लेंगे और देखेंगे कि हमारा बैंगन अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब हम इसे अलग से बर्तन में निकाल लेंगे। एक एक करके अलग से बर्तन में निकाल लेंगे। अलग से बर्तन में निकालने के बाद हम इसके सारे छिलके को अलग कर लेंगे, इसे पील कर लेंगे। इसके सारे छिलके जो ऑटोमेटिक सॉफ्ट हो गए हैं हम इसे निकाल लेंगे और इसके ऊपर का हिस्सा भी हम अलग कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने पूरी तरीके से इनके छिलकों को निकाल दिया है और इसके ऊपर के हिस्से को भी अलग कर दिया है। अब हम इस बॉइल्ड बैगन को अच्छे से मैश कर लेंगे। तो देखिए, हमारा बैगन अच्छे से मैश हो गया है। इसे आप मैशर या किसी भी चीज़ों की सहायता से या हाथ से भी मैश कर सकते हैं। अब हम कढ़ाई में तेल गरम कर लेंगे। तेल गरम होने के बाद हम इसमें डालेंगे जीरा। जीरा डालने के बाद हम इसमें डालेंगे मिर्च कटी हुई, बाद इसमें डालेंगे धनिया पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता। Thank you.
जाती है तो इस चीज़ में आ चुका है मीडियम फ्लेम पे। अब हम इसके बाद देंगे सॉल्ट और नमक, मसाले के बाद इसे अच्छे से मिला लेंगे। मीडियम फ्लेम पे इसे मिलाते रहेंगे ताकि अच्छे से हमारा प्याज और सारे जो मसाले हैं वो अच्छे से भून जाए। टमाटर ऐड करने के बाद बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और जो हमारा मसाला है बहुत अच्छा दिख रहा है। और देख सकते हैं हमारे जो मसाले उन्होंने तेल छोड़ दिया है। मैश हुआ हुआ बैगन, अच्छे से मिला लेंगे। हमारे मैश हुए बैगन को डालने के बाद इसे अच्छे से मिलाते रहेंगे, इसे मसालों के साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। कम से कम 10 से 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे